नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरुआत से पहले अपने दर्शकों को ये बता दूं कि कैची धाम से हमने अब तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ की वो सारी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो गई हैं 2019 के नतीजों में। और उनमें से सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी राहुल गांधी और स्मृति ईरानी को लेकर। जी हाँ, कैची धाम से संत बेतरा जी ने मेरे साथ ही बैठकर अमेठी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। संत बेतरा जी ने कहा था कि अमेठी भले ही कांग्रेस का गढ़ रही हो, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में वहाँ से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को करारी शिकस्त देगी। नतीजन लोकसभा के कल जब चुनावी नतीजे आए तो 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। अब देखते हैं कि अब सर क्या बोलूं मैं, अब क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी भविष्यवाणी आपकी सच साबित हुई है? सब ऊपर वाले की दया। कोई सोच नहीं सकता था अमेठी, जो कि कांग्रेस परिवार का कहें कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, और वहाँ से कहें कि संजय गांधी के बाद अब राहुल गांधी ही ऐसे पहले कांग्रेसी परिवार के से होंगे जो वहाँ से हारे हैं, तो उनके गढ़ में, मतलब गांधी परिवार के गढ़ में सेंध लगाना स्मृति ईरानी का। देखिए, सिर्फ अमेठी नहीं, पूरे भारत में जो कांग्रेस हारी है, कांग्रेस हैज ऑलवेज टेकन ग्रांटेड कि हम जीतेंगे, और वो ग्रांटेड लेना इस बार उनकी ये जो एरोगेंस थी वो इस बार इनको बहुत महंगी पड़ी। देखिए, स्मृति ईरानी जी ने इलेक्शन हारने के बाद अपना तंबू अमेठी में ही गाड़ दिया था। उन्होंने बोला था मैं यही काम करूंगी और यहां से नहीं जाऊंगी, और उन्होंने वहां पे अपना रूम लेके अपने उसमें पूरे उसमें काम किया क्रास रूट पे। अगर आप देखेंगे तो, अगर स्मृति ईरानी जी ने मीडिया के सामने कुछ ऐसा शो ऑफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट पे इतना काम किया, जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे बड़ी पार्टी देश की, जो कभी रह चुकी अब तो नहीं है, कि वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को हिला दिया। वो तो कुदरत ने उनको जो है ठीक टाइम पे बुद्धि दे दी, क्योंकि उनका समय तो मैंने बताया था राहुल गांधी जी का अच्छा चल रहा है, जिसके कारण वो वायनाड में चले गए, और जहाँ वहाँ पे वो अच्छे मतों से जीते हैं, और जहाँ से जीतने का मैंने उनको बोला था कि वो आराम से निकाल लेंगे, तो संसद में पहुँच गए। अगर वो सिर्फ अमेठी से ही लड़े होते और ये पोजीशन होती, तो देखिए कितनी शर्म की बात थी। ना तो आपको एलओपी मिला, और ना ही आपने जितने हजार का वादा किया था उतनी सीट मिली, 72 सीट भी नहीं मिली। जनता ने 72,000 के बदले में 72 सीट भी नहीं दी। और दूसरा जो है, सबसे बड़ी बात जो है कि वो जो एरोगेंस वाली जो बात थी पार्टी में, पार्टी के हाई कमान में, और ऊपर का जो उनका जो थिंक टैंक है, जो उनको जो सारे विचार विमर्श करके उनको जो नारे लिखवाता रहा, और जो उनको बोलने के लिए जो प्रोत्साहित करता रहा, और जो जो उन्होंने बोला उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। सर, इस स्मृति ईरानी की जीत पे हालांकि राहुल गांधी ने बधाई दी, और स्मृति ईरानी का ट्वीट भी आया, उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने तो ये भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी, तो शायद यही वजह है कि आपकी भविष्यवाणी सुन के राहुल गांधी को लगा कि अमेठी से मैं हार सकता हूँ। मतलब कांग्रेस को डर था पहले से कि हाँ, अमेठी से राहुल गांधी हार सकते, तभी उन्होंने वायनाड को चुना। देखिए, भविष्यवाणी तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। 2004 की भविष्यवाणी मैंने कांग्रेस के फेवर में की थी, जिसमें मैंने ये बोला था एस नाम का व्यक्ति एम नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रपोज करेगा। 2009 में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन मैंने जो है भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। UPA 2 UPA 3 जो भी था, उन्होंने मिलजुल कर सरकार बनाई। कांग्रेस का दुर्भाग्य ये रहा है कि कांग्रेस ने कभी भी सिंगल अपने कंधे पे जीतने की, सरकार बनाने की कोशिश
के लिए प्लान ही नहीं किया। इस बार तो कांग्रेस के थिंक टैंक ने बिल्कुल डुबाने की कोशिश की। देखिए कितना पहले मैंने बोल दिया था, मैंने 2016 में बोल दिया था कि मोदी जी कैसे जीतेंगे, ये मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि मोदी जी कैसे जीतेंगे। मोदी जी का आप जितना विरोध करोगे, आप जितना मोदी जी के अगेंस्ट कीचड़ फैलाओगे, उतना जो है कमल खिलेगा। आप देखिए, आपने पूरे इलेक्शन के दौरान आप चिल्लाते रहे चौकीदार चोर है। और इस पे मैंने भविष्यवाणी की थी ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, चौकीदार चोर है कांग्रेस को ये जुमला इतना महंगा पड़ा कि कांग्रेस को धरातल देखना पड़ रहा है। पहले ही आपको संचेत कर दिया था, आप सराहना करते ना। देखिए अगर मैं आपकी प्रेस करता हूं, अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो बड़ी रेखा खींचिए, जो मैं कर रहा हूं उससे बड़ा करके दिखाइएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे को छोटा करने की कोशिश करोगे तो आप भी कहीं से छोटे होंगे, अंततः क्या होगा, दोनों डूबोगे। लेकिन यहाँ अंतर बहुत था। मोदी जी के लिए मैंने एक चीज़ बोली थी कि मोदी जी को अपने डेकोरम को कायम रखना है और अपने स्टेटस से, अपने लेबल से बहुत नीचे के छुटभैया नेता की बातों का जवाब नहीं देना है, जिस पर वो कायम रहे। आज पोजिशन ये है कि ना भूतो ना भविष्यति, जो मैंने बोला था 2019 के रिजल्ट ऐसे होंगे, ना भूतो ना भविष्यति। बीजेपी के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था। देखिए बीजेपी का नंबर जो कैंची धाम नीम करोली बाबा से हमने 5 नंबर दिए थे उसी में से है, 1, 2, 3, 4 और 7 था, 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबर दिया था, तो 303 बीजेपी को 303 नंबर मिला और कांग्रेस को 51 सीट मिली है। 51 का मतलब क्या, कि आपको शगुन दे दिया भैया निकलो, समझ गए। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि नीम करोली बाबा से ही, नीम करोली बाबा के कैची धाम से ही संबेत्रा जी ने कहा था कि अमेठी से तो राहुल गांधी चुनाव हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन वायनाड से वो जीत जाएंगे, जो कि सच भी भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। तो इसके लिए अब हम एक बार फिर नीम करोली बाबा के कैची धाम से अपना अगला सेशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल होंगे, चाहे वो निजी तौर पे हो या फिर पॉलिटिक्स से यानी कि राजनीतिक संबंधित हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ताकि हम अपने हर एक दर्शकों के सवालों का वहाँ से जवाब दे सके। तब तक लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाज़त और धन ज्ञान के साथ बने रहिए। देश आजाद हुआ, इतने लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद, इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है, और वो भी 40-42 डिग्री गर्मी के बीच में। ये अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरे विश्व को इस बात को रजिस्टर करना होगा, पूरे विश्व को भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को पहचानना होगा। इस अवसर पर मैं इस लोकतंत्र के उत्सव में, लोकतंत्र के खातिर जिन जिन लोगों ने
बलिदान दिया है, जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं और लोकतंत्र के इतिहास में लोकतंत्र के लिए मरना ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। मैं चुनाव आयोग को सुरक्षा बलों को इस लोकतंत्र उत्सव की व्यवस्था को संभालने वाले हर किसी को उत्तम तरीके से लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने वाली व्यवस्था देने के लिए बहुत ही उत्तम तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं।